नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग कंपैरेटिव पब्लिक लॉ शुरू कर रहे हैं हम लोग हमारी सीरीज़। ठीक है, तो बहुत सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि आपको पहले से ही पता होगा, मतलब जो जो भी मैं बातें बताऊंगा ये सब आपको पता होंगी। बस एक तरीके से ये मान के चलिए कि एक रस्सी में मैं मोतियाँ डाल रहा हूँ, मतलब एक तरीके की माला बना रहा हूँ बस, बाकी इधर उधर से लेके एक मिक्स कर रहा हूँ बस सारी चीज़ें। तो हम देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, तो लॉ दो तरीके के होते हैं, एक तो पब्लिक लॉ, एक है प्राइवेट लॉ। ये दो तरीके के लॉज होते हैं। अब पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ क्या होता है। तो एक ऐसा लॉ जिसमें स्टेट इंक्लूडेड है, मतलब कि जो रिलेशन है वो स्टेट वर्सेस कोई और है, स्टेट वर्सेस मतलब एक स्टेट एक पार्ट है उस चीज़ का। जैसे कि मान के चलो जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं किसके अगेंस्ट माने जाते हैं, कि स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट की जिम्मेदारी है ये। या फिर एक प्राइवेट आदमी एक ऐसा काम कर रहा है जो कि सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो सारे जो लॉज होते हैं, वो सारे लॉज जो गवर्न करते हैं इन सारी चीज़ों को, उनको हम बोलते हैं पब्लिक लॉ। जिसमें कि स्टेट मेन जो चीज़ जो होती है वो होती है स्टेट। समझ में आ रही है आपको बात। जैसे कि ये अब पब्लिक लॉ जैसे कॉन्स्टी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारी क्या पब्लिक लॉ। क्यों? क्योंकि जो भी काम हो रहा है यहाँ पर स्टेट एक पार्टी है, सोसाइटी एट लार्ज को वो अफेक्ट कर रही है, इसीलिए वो है पब्लिक लॉ। ठीक है, और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इस हम जो अभी डिस्कस करें वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइवेट लॉ स्टेट का कुछ लेना देना ही नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कुछ लेना देना ही नहीं है स्टेट का, क्या लेना देना, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया। तो ऐसे जितने भी वो है, ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी, स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है आपसे। किसने बोला था, स्टेट ने बोला था क्या कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए? नहीं। लेकिन अगर फ्रॉड होता है, चोरी होती है, एक क्राइम स्टेट के अगेंस्ट होता है, इसीलिए एक पब्लिक लॉ और एक प्राइवेट लॉ। तो ये तो अंतर हो गया पब्लिक लॉ में और प्राइवेट लॉ में, जो कि आपको मालूम होगा कि अगर हमने सीआरपीसी पढ़ी है, टॉर्ट्स पढ़ा हुआ है हमने, तो हमको मालूम होगा कि प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में ये क्या होता है। टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, हम सबको ये चीज़ें मालूम होगी। तो इस पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बस आपको ये और बताऊँगा कि अब जो हम आ रहे हैं वो आ रहे हैं हम कंपैरेटिव लॉ पे। पार्डन माय हैंड राइटिंग, कंपैरेटिव लॉ। कंपैरेटिव लॉ क्या है और कौन सा वाला कंपैरेटिव लॉ हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ से हमको कोई लेना देना नहीं है। कंपैरेटिव कंपैरिजन आपको वैसे ही समझ में आ गया कि आप सीधी से एक बात, अगर आपको मोबाइल खरीदना होता है तो आप क्या करते हो, एक कोई सा मोबाइल आपने देख लिया, मान के चलिए सैमसंग का कोई सा मोबाइल है, सैमसंग A50s, अब आपने देखा, अब आपने सोचा कि यार इस प्राइस पे और कौन कौन से मोबाइल हैं, तो आपने एक और मोबाइल देखा और आप दोनों को कंपैरिजन कर लिया आपने। ठीक है, ऐसा ही है कंपैरेटिव लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। हम यहाँ पर और देश ने क्या प्रोविजंस बनाए हैं पब्लिक से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बेसिकली जो कंपैरेटिव लॉ है वो दो चीज़ों पे टिका हुआ है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ मतलब दो चीज़ों के बारे में स्टडी करता है बेसिकली, कॉन्स्टी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीज़ों के बारे में जो हमारा कंपैरेटिव लॉ है वो स्टडी करता है कि भैया यूएस ने ऐसा क्या किया है जो हमने नहीं किया है,
सिमिलैरिटी देखते हैं या डिफरेंसेस देखते हैं। कंपैरिजन इन इन दो ही चीज़ों पे होता है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, क्या हमको अपनाना चाहिए क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या हम सही चल रहे हैं क्या बेकार चल रहा है। कंपैरेटिव लॉ बस इस बारे में ही है। अब जब बात आ गई कंपैरिजन की, तो ये चीज़ तो आनी आनी थी कि हमने कौन कौन से देश में, देश से क्या क्या हमने लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, अब मान के चलिए हम कंपैरिजन करते ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हमने ली हैं ये सब कहाँ से आती। तो आपको मालूम होगा यूएस से हमने क्या उठाया, फंडामेंटल राइट्स, और क्या उठाया, जुडिशियल रिव्यू, और क्या उठाया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब उठाया तो बहुत कुछ है, हम इम्पोर्टेंट अगर अपन देखें तो हमने ये उठाया है। यूके से क्या उठाया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या उठाया, रिट्स भी हमने इधर से उठाई है क्या, बिल्कुल रिट्स भी हमने यूके से उठाई है। फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने उठा लिया रिपब्लिक। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या उठाया है, साउथ अफ्रीका से हमने उठाया है अमेंडमेंट करने का साउथ अफ्रीका से उठाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से होगा, प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका से उठाया हमने प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हमने क्या उठाया, जर्मनी से हमने उठाया है, आपने देखा होगा कि जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, FR। अब आया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या उठा लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने उठाई कॉन्करेंट लिस्ट, पता होगा आपको स्टेट और वो जो ग्रे एरिया होता है वो स्टेट के उसमें भी है और यूनियन के उसमें भी है। फिर आता है हमारा कनाडा, कनाडा से हमने कई सारी चीज़ें उठाई हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है हमारा। यूएस क्या है, बिल्कुल फेडरल कंट्री है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पर स्टेट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि आप पूछो मत। इंडिया भी एक क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल इसीलिए बोलते हैं हम कि स्टेट को पावर दी हुई है लेकिन इतनी नहीं है कि इस सेंटर और स्टेट के बीच में कभी डिस्प्यूट होता है तो मानी सेंटर की बात जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो फिर अगर सिर्फ सेंटर ही है तो फिर वो भी हो सकता है यूके हो सकता है, ये हाँ यूके हो सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म वहाँ पे तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके मान लो, स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेसिडुअरी पावर्स कनाडा से उठाई है हमने, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रेसिडुअरी पावर्स बेसिकली क्या है कि मान के चलिए कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब एक मुद्दा आया, वो ना स्टेट लिस्ट में है ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट में है ना यूनियन में है। अब सेंटर के पास पावर है कि वो उसके ऊपर कानून बना सकता है, अगर वो स्टेट में भी नहीं है वो यूनियन में भी नहीं है, तो सेंटर के पास पावर है कि वो उस चीज़ के बारे में कानून बना सकता है। तो वो एक और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये कनाडा से लिया है हमने। आयरलैंड से क्या लिया है हमने, आयरलैंड से लिया है DPSP, और आयरलैंड से हमने एक और चीज़ ली है, क्या ली है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, वो हमने यहाँ से लिया है, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। USSR से क्या ले लिया हमने, USSR जो कि अब रशिया है, अब रशिया क्या, वो तो USSR टूट गया तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रशिया है, उसका कई सारी वो यूक्रेन है और भी कई सारे पार्ट हैं। हालांकि USSR से हमने क्या लिया, USSR से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने कंपैरिजन करके
सोचिए, अगर कंपैरेटिव लॉ होता ही नहीं, कंपैरेटिव लॉ तो वैसे नाम दे दिया, कंपैरेटिव लॉ का मतलब ही क्या है कि कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन कैसे करेंगे, वही सिमिलैरिटी देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, आपस में मिलाएंगे क्या है, क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या हमारा विजन क्या है, हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब देख के हमारा ये कंपैरेटिव लॉ तैयार हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है इन सब देशों की मदद से। ठीक है, अब कंपैरिजन कर करके हमने कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना तो लिया, लेकिन कंपैरिजन और कंपैरेटिव लॉ का काम बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है क्या? क्या इंटरप्रिटेशन में भी हम कंपैरिजन का यूज़ कर सकते हैं क्या? इंटरप्रिटेशन आपको पता होगा कि इंटरप्रिटेशन वही करती है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, कौन? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भी इंटरप्रिटेशन करती है किसी लॉ का। अब इंटरप्रिटेशन होता किस बेसिस पर है, या तो विच हैव नॉट डिस्कस, मतलब कि एक ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लॉ का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट जिसको डिस्कस ही नहीं किया गया, फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें कितनी सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, कितनी सारी चीज़ें राइट टू लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें कि सिर्फ ऐसे नहीं, डिग्निटी के साथ जीना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर सैनिटेशन, जो भी आप समझ सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं राइट टू लाइफ में। वो कैसे आया कि इस एस्पेक्ट को उसमें डिस्कस ही नहीं किया गया था, हमने डिस्कस कर दिया, इंटरप्रिटेशन हमने कर दिया इस चीज़ का कि राइट टू लाइफ बस यहाँ तक सीमित नहीं है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी सिर्फ इतना नहीं है, इंटरप्रिटेशन हो के कितना हो गया वो, और उसमें या तो लैक्यूना हो। लैक्यूना कैसे? जैसे कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा तो है, लेकिन इसका असली मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और वो लिया कहाँ से था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से आया था। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का जो कंपैरेटिव लॉ का हम यूज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज में भी कर सकते हैं। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, केसेस हैं कई सारे। सबसे पहला तो के एस पुट्टू स्वामी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैं अभी बताता हूँ ये किस किस बारे में है। एक था नवतेज सिंह जौहर वाला केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस था हमारा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, और एक था हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये सारे जो केसेस थे, ये थे किस किस बारे में, और इन सारे केसेस का रेफरेंस लिया गया था फॉरेन लॉ से, कंपैरेटिव लॉ के थ्रू। कंपैरेटिव लॉ एक रास्ता है किसी देश के कानून को देखना कि भैया क्या है, उन्होंने इसको किस तरीके से डील किया है कि भैया जो मेरा एरिया है वो सही से गवर्न हो सके, तो हमेशा रेफरेंस लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में, इन सब केसेस में भी रेफरेंस लिया था, कंपैरिजन किया था। अब जो के एस पुट्टू स्वामी वाला जो है, उसमें जो एक डॉक्ट्रिन निकली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक और तरीका है जुडिशियल रिव्यू का। उसमें तीन चीजें दी गई थी कि लीगल, जो भी आप एक स्टेप उठा रहे हो, जो भी आप कानून बना रहे हो, वो लीगली है या नहीं, वो प्रोपोर्शनल है या नहीं, वो रैशनल नेक्सस जो आप करना चाह रहे हो वो ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा कि नहीं, और जो आपने कदम उठाए हैं उस ऑब्जेक्ट आपका सही है या नहीं, और जो आपने कदम उठाए हैं उस कदम से वो ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा या नहीं, ये मतलब इसमें बताया गया था। अगर नहीं उठा रहे हैं तो आपको इस एक्शन को, उस लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। केस पुट्टू स्वामी, ये केस पुट्टू स्वामी बेसिकली आधार का मामला था, आधार कार्ड वाला। तो आधार कार्ड को लेके वो गए थे कि राइट टू प्राइवेसी मेरी इन्फ्रिंज हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट तो है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है,
ऐसा बोला था इसमें, तो राइट टू प्राइवेसी को इसमें मान लिया गया था। नवतेज सिंह जौहर वाला जो मामला था, नवतेज सिंह जौहर आपको मालूम होगा सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करने का पूरा मामला था, कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन होमोसेक्सुअल्स, ये जो था इसमें डीक्रिमिनलाइज कर, सेक्शन 370 पहले क्रिमिनल पीनल सेक्शन था वो, उसको फिर डीक्रिमिनलाइज कर दिया। जोसेफ शाइन एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया, कॉमन कॉज यूथनेसिया, यूथनेसिया क्या कि बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू डाई इंक्लूड है, कोर्ट ने बोला हाँ है, फिर बाद में केस आया नहीं है, फिर बाद में आया हाँ है, धीरे धीरे जो इवॉल्व हो के चीज़ें वो इस तरीके से आ गई कि राइट टू लाइफ फाइनली, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, नहीं है। लेकिन यूथनेसिया कि भाई कोई आदमी इतना तड़प रहा है, कोर्ट से अर्जी मांग ले कि भैया प्लीज़ मेरे को, मुझे मरने दो, तो वो यूथनेसिया कि यूथनेसिया अलाउड है लेकिन राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये साफ साफ इसमें क्लियर कर दिया। और ये सारी चीज़ें बाहर से रेफरेंस लिया गया है, ए टू जेड एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो सकता। देखो फ्रेंड्स जो एक वेब सीरीज बनी थी उसको भी ए टू जेड कॉपी पेस्ट करके इंडिया में एक सीरीज बनी जो कि नहीं चल पाई, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो चलती ही नहीं है, लेकिन हम रेफरेंस लेते हैं कि भैया हमको, हम अपने आप को गवर्न करने के लिए क्या इन्होंने जो तरीका अपनाया है क्या वो तरीका मैं भी अपना सकता हूँ, क्या शाहरुख खान ने जो चीज़ करी है अपने जीवन में क्या उसको मैं मेरे अंदर लेके आ सकता हूँ क्या, कि मैं ये भी करूँ क्या, एक तरीका होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें, और अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन, हम आगे सीरीज़ हमारी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।